Oi, oi! Welcome to Night Mahadeva Ki! Yay! Bully! 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 Hey, Bully! Bolidat! Bolidat! Sabke saad! Har mare! Har 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 तो आज लेकर चलता हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर, हिमालय के सबसे ऊंचे मंदिर, महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर। मंदिरों की श्रेणी में इनसे ऊंचा मंदिर कहीं नहीं है पहाड़ों पर। हाँ, कैलाश की बात अलग है, क्योंकि कैलाशों पे मंदिर नहीं होते। और उसमें भी सबसे अच्छी बात कि सबसे ऊंचे मंदिर जाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी। इतने खूबसूरत दृश्य देखने के लिए आपको सिर्फ 4 किलोमीटर का ही पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, जिसमें अंदाजे से 2 से 3 घंटे ही सिर्फ लगेंगे और आप पहुंच जाएंगे ऐसी खूबसूरत वादियों में। ये मंदिर है 12,073 फीट की हाइट पर, लेकिन आपको ट्रैकिंग कम करना पड़ता है, क्योंकि चोपटा उत्तराखंड में 9,600 फीट तक तो बस जाती है। 5,000 साल पुराना मंदिर है ये, जो के पांडवों ने बनवाया था और फिर बाद में खुद शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो शायद आप भी आना पसंद करेंगे। अगर आना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा और महादेव भी आपको ज़रूर बुलाएंगे। जी हाँ, ये हैं तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव से भी 2 किलोमीटर ट्रैकिंग ऊपर करके जाएंगे तो चंद्रशिला है, जहां भगवान राम ने भी तपस्या की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तुंगनाथ जी में मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग आकर घंटा चढ़ाते हैं, तो घर से ही घंटा लेकर चलिएगा और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का घंटा भी बजा दीजिएगा। 6 महीने यहाँ इंसान पूजा करते हैं और 6 महीने देवी देवता इनकी पूजा करते हैं। गर्मियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ 16 डिग्री गर्मी रहती है, तो सर्दियों में तो बर्फ़बारी हो जाती है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर भी कुछ लोग यहाँ का एटमॉस्फेयर का आनंद लेने के लिए और पहाड़ियों पर आने के लिए, दर्शन करने के लिए, बर्फ़बारी देखने के लिए, मंदिर बंद हो तब भी यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर में तो आप ऐसे दृश्य देखेंगे कि जो देख के दंग हो जाएंगे। तुंगनाथ महादेव पंच केदार में से एक हैं और इन 5 केदारों के दर्शन करने से कुल हत्या के पाप के दोष से मुक्ति मिलती है और इंसान को पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, जिसकी कथा आप जानते हैं, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज कलयुग का इंसान एबॉर्शन करवाकर खुद ही अपने कुल की हत्या करता है, तो उसका क्या करेंगे भगवान। पंच केदारों में से जिस केदार का भी दर्शन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में नाम लिख के सेंड करिए, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। एक है केदारनाथ महादेव, वहाँ पर महादेव का पीठ का भाग गिरा था। दूसरे हैं रुद्रनाथ, वहाँ पे चेहरा था। कल्पेश्वर में चढ़ाएं गिरी थी और यहाँ पर महादेव के हाथ थे। अपने हाथ फैलाएं, महादेव आपको बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा तुंगनाथ महादेव। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस कथा की तरफ, जिसे सुनने से कुल हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कथा की ओर बढ़ते हैं। तो पांडवों ने कौरवों को मार दिया और उनके सारे कुल का विनाश हो गया और उनके ऊपर कुल हत्या का पाप लगा, और भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो महादेव के पास गए, क्योंकि वही उन्हें कुल हत्या के दोष से मुक्त कर सकते थे। तो सबसे पहले वो पहुंचे काशी, तो काशी से भगवान चले गए, क्योंकि इतनी जल्दी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। उसके बाद भगवान महादेव आ गए केदारनाथ, तो पांडव भी उनको ढूंढते ढूंढते पीछे केदारनाथ महादेव पहुँच गए, लेकिन दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वो दूसरे पशुओं के बीच में जाकर एक भैंस का रूप लेकर महादेव छिप गए। तो भीम ने एक चाल चली, वो जानता था कि भगवान उसके पाँव के नीचे से नहीं निकलेंगे, तो भीम ने अपने पाँव को फैलाया और सारे पशु जानवर उसके पाँव के नीचे से निकल गए, तो लेकिन महादेव नहीं निकले। तो जैसे ही महादेव दूसरी तरफ जाने लगे तो भैंस रूपी महादेव की पूँछ पकड़ ली भीम ने, तो महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और उनके शरीर के 5 जगह अंग गिरे। उनका मुख का रूप है नेपाल में, जो के पशुपतिनाथ है, और बाकी के 5 अंग भारत में गिरे, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है,
जैसे कि मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा भाग कहाँ गिरा था। रोज एक नए मंदिर के वीडियो के दर्शन होंगे, तो ऐसे ही 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। और अगर आपको भी मंदिर के दर्शन करके आनंद आया हो तो अपने मित्रों को भी भेजें और उनको भी कुल